हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसका नाम है रजिस्टर रजिस्टर क्या होता है कैसे काम करता है कितने प्रकार के होते हैं कहाँ यूज होता है ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में जानेंगे स्टार्ट तो करते हैं इसके डेफिनेशन से व्हाट इज़ रजिस्टर रजिस्टर इज ए पैसिव इलेक्ट्रिकल कम्पोनेंट्स इट हैज़ टू टर्मिनल दैट इम्प्लीमेंट्स इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस एज ए सर्किट एलिमेंट दैट मीन्स रजिस्टर एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और इसमें दो टर्मिनल होते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रजिस्टर्स आर यूज टू रिड्यूस करंट फ्लो ये करंट को फ्लो को कंट्रोल करता है धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है एडजस्ट सिग्नल लेवल एंड डिवाइड वोल्टेज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में रजिस्टर का यूज होता है एंड अमंग अदर्स यूज और बहुत सारे यूज होते हैं रजिस्टर्स आर टू टाइप्स रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होता है फिक्स टाइप जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है और एक होता है वेरिएबल रजिस्टर जिसका सिंबल कुछ इस टाइप से हो सकता है फिक्स टाइप रजिस्टर की वैल्यू फिक्स रहती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं जबकि वेरिएबल रजिस्टर में हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जो उसकी गिवन रेंज है उसमें द इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज मेजर्ड इन ओम रजिस्टेंस को किसी भी रजिस्टर का रजिस्टेंस हम ओम में मेजर करते हैं इसकी यूनिट ओम होती है ओम और इसका सिंबल ओम होता है इस तरह से ओम का सिंबल इस तरह से होता है और इसकी रेंज हम रेजिस्टेंस ओम में, में मेजर करते हैं ये ओम में हो सकता है किलो ओम में हो सकता है या मेगा ओम में हो सकता है ये टू द पावर थ्री होता है ये टू द पावर सिक्स तो आप देख सकते हैं इसकी यूनिट ओम होती है और ये इसके स्केमेटिक सिंबल दिए गए डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर के आप देख सकते हैं ये सारे ये वाला ये जिग जैग लाइन ये रजिस्टर का सिंबल है फिक्स टाइप का रजिस्टर होता है इस टाइप का सिंबल फिक्स्ड ये फिक्स्ड टाइप का रजिस्टर होता है और ये दोनों ये दोनों सिंबल वेरिएबल टाइप के रजिस्टर होते हैं वेरिएबल टाइप के रजिस्टर ये वाला सिंबल पोटेंशियोमीटर का होता है और ये वाला सिंबल रियो स्टेट के लिए होता है तो अगर किसी सर्किट में इस टाइप से सिंबल बना हुआ है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी सपोज़ ये वन ओम है तो हम जान जाएंगे कि ये फ़िक्स टाइप का है इसीलिए सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंजीनियरिंग में ये सिंबल इंजीनियरिंग ड्राइंग में या किसी सर्किट में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फिक्स टाइप का रजिस्टर है ये पोटेंशियोमीटर है या ये रियल तो सर्किट में हम जान सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हमें यूज़ करना है सपोज़ किसी सर्किट में इस टाइप का सर्किट दिया गया और एक यहाँ पर डायोड लगा दिया गया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया दैट मीन्स कि यहाँ पर एक हमें पोटेंशियो मीटर वेरिएबल टाइप का रजिस्टर लगाना है सपोज ये 4.7 पॉइंट सेवन का है तो इसमें हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं तो इन, इन सिंबल की हेल्प से हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगाना है ये फिक्स्ड के लिए होता है जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं अगर वन के है तो वन के ही रहेगा टू, के, तो टू के, रहे के है तो टू के रहेगा फोर पॉइंट सेवन के है तो फोर पॉइंट सेवन के रहेगा ये वाला पोटेंशियो मीटर वोला हो होता है इसको हम जिस भी रेंज का होगा उसमें हम बैरी कर सकते हैं अगर वन के का पॉट है तो उसको हम जीरो से वन के बीच के में चेंज कर सकते हैं और ये रियल स्टेट होता है इसका यूज लैब में होता है रजिस्टर्स यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर यूजली

एक इस टाइप का सिरेमिक डिस्क होती है और उसके ऊपर कार्बन की फिल्म की जाती है एक लेयर चढ़ा जाती चढ़ा दी जाती है और उसके बाद इसमें ट्रिमिंग की जाती है इसमें कटिंग की जाती है जिससे एक रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है मेटल फिल्म में मेटल की एक फिल्म चढ़ाई जाती है और वायर बाउंड में एक हॉलो ट्यूब होती है और उसके ऊपर इस तरह से वायर को लपेटा जाता है बाउंड किया जाता है तो वायर बाउंड रजिस्टर बन जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टॉलरेंस टॉलरेंस के बेस पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वन परसेंट टॉलरेंट के रजिस्टर आते हैं टू परसेंट फाइव परसेंट टेन परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट आप सभी जानते होंगे कि फाइव और टेन और ट्वेंटी परसेंट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा फाइव परसेंट ये गोल्ड का होता है गोल्ड का टॉलरेंस होता है एंड टेन परसेंट सिल्वर का होता है मैं आपको ये सब कुछ वीडियो में भी बता दूंगा आप देख लेंगे वन परसेंट टॉलरेंस जिसका टॉलरेंस बैंड का कलर होता है ब्राउन ब्राउन और ये रजिस्टर फाइव बैंड के होते हैं फाइव बैंड फाइव कलर बैंड बाकी फाइव परसेंट फाइव परसेंट टेन परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट ये सारी रजिस्टेंस फोर कलर बैंड के रजिस्टर होते हैं तो और एक ट्वेंटी परसेंट ये नो कलर बैंड के लिए होता है अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पावर रेटिंग पावर रेटिंग आ, के अकॉर्डिंग भी रजिस्टर को क्लासीफिक क्लासीफाइड किया जाता है अगर कम पावर है तो हम छोटा रजिस्टर यूज करते हैं कम पावर रेटिंग का रजिस्टर यूज करते हैं जैसे वन बाई एट वाट ये हमारा क्वार्टर वाट है ये क्वार्टर वाट है ये हाफ वाट रजिस्टर है वन वाट टू वाट फाइव वाट टेन वाट और इससे बड़े भी रजिस्टर आते हैं तो ये हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं अभी आप देख रहे हैं कार्बन फिल्म रजिस्टर ये कार्बन फिल्म रजिस्टर हैं ये हमारा रजिस्टर वन बाई फोर वाट का है वन परसेंट टॉलरेंस ठीक है जी और ये रजिस्टर आप देख रहे हैं इस रजिस्टर में सॉरी uh, ये ये फाइव फाइव परसेंट टॉलरेंस का है ये फाइव परसेंट है क्योंकि इसमें फोर कलर बैंड हैं और ये भी एक फाइव परसेंट टॉलरेंस है और इसका वन बाई टू बाट पावर रेटिंग है इस रजिस्टर की और ये भी फोर बैंड रजिस्टर है ये एक मेटल फिल्म रजिस्टर है ये भी फोर बैंड का है फोर बैंड बट ये टू वाट फाइव परसेंट टॉलरेंस आप लास्ट में देख सकते हैं ये बायर बाउंड रजिस्टर है ये इस पर वैल्यू इसकी मेंशन है बड़े जो साइज़ में बड़े रजिस्टर होते हैं उसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है कलर कोड नहीं होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हंड्रेड ओम है ये हंड्रेड ओम फाइव वाट एक ये भी रजिस्टर हंड्रेड ओम का है और ये फाइव वाट और उसकी टॉलरेंस भी लिखी है ये फाइव परसेंट टॉलरेंस होती है फाइव वाट फाइव परसेंट तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन के इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो और इसके कलर कोडिंग और इसके पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग और टॉलरेंस के अकॉर्डिंग रजिस्टर दिखाए गए हैं तो इस तरह से आप जान सकते हैं जब हम मार्केट में रजिस्टर परचेस करने जाते हैं तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है सबसे पहले नंबर वन रजिस्टेंस वैल्यू नंबर टू पावर रेटिंग और नंबर थ्री होता है टॉलरेंस ये सब मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीन चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है किसी भी रजिस्टर को परचेज करने से पहले कलर कोड टेबल दिया गया है यहाँ पर फोर बैंड एंड फाइव बैंड के लिए आप इस फिगर में देख रहे हैं ये एक फोर बैंड का रजिस्टर है फोर बैंड इसमें फर्स्ट बैंड रेड है ये रेड है और ये वायलेट है और ये वाला हमारा ब्राउन है और लास्ट बैंड है ये ये है गोल्ड तो अभी आप देख सकते हैं कलर कोड कैसे करेंगे फर्स्ट बैंड रेड है रेड का आपने देखा वैल्यू कितनी है टू तो इसको हम लिख लेंगे टू सेकेंड बैंड हमारा वायलेट है आप ये देख सकते हैं ये वायलेट है ये वायलेट है वायलेट वायले का कोड होता है सेवन तो फोर बैंड केस में हम दो वैल्यू लिख लेंगे और उसके बाद थर्ड वैल्यू में हम मल्टीप्लायर देखते हैं उसकी मल्टीप्लायर की वैल्यू लिख देते हैं फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फर्स्ट टू बैंड सिग्निफिकेंट वैल्यू एंड थर्ड बैंड की मल्टीप्लायर तो थर्ड बैंड ब्राउन है तो ब्राउन का कोड होता है इन टू टेन टू द पावर वन टेन टू पावर वन तो ये हो जाएगा प्लस uh, माइनस आ, गोल्ड है तो गोल्ड का होता है फाइव परसेंट आप देखिए टॉलरेंस यहाँ दिया गया है तो ये हो गया प्लस माइनस फाइव परसेंट तो ये हो जाएगा टू सेवेंटी ओम यहाँ सिंबल लिख देता हूँ ओम तो ये टू सेवेंटी ओम का हो गया प्लस माइनस फाइव परसेंट ये टॉलरेंस है टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस प्लस फाइव या माइनस फाइव कम या ज़्यादा हो सकता है इसकी वैल्यू में हम मतलब ये दो से दो तक की इसकी वैल्यू के बीच में वैरी कर सकता है अब आप देख रहे हैं फाइव बैंड रजिस्टर ये फाइव बैंड रजिस्टर ये वन परसेंट टॉलरेंस का है इसका लास्ट बैंड फर्स्ट बैंड है आ, ब्राउन सेकेंड बैंड है सेकेंड बैंड है, है ब्लैक और थर्ड बैंड भी है ब्लैक फोर्थ बैंड है ऑरेंज और ये वाला है ब्राउन टॉलरेंस वाला ब्राउन तो ब्राउन का आप देख सकते हैं हमें टॉलरेंस ये वन परसेंट टॉलरेंस होता है वन परसेंट तो कैसे इसका देखेंगे ब्राउन का होता है हमारा फिर से वही वन ब्लैक का होता है दो बार ब्लैक है तो इसका रहेंगे लिखेंगे हम जीरो जीरो इसमें फर्स्ट थ्री डिजिट सिग्निफिकेंट होती है और फोर्थ बैंड होता है वो टॉलरेंस सॉरी मल्टीप्लायर होता है फोर्थ बैंड ऑरेंज है तो ऑरेंज का होता है टेन टू पावर थ्री आप देख सकते हैं ये टेन टू पावर थ्री है तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इन टू टेन टू द पावर थ्री तो ये कितना हो जाएगा हंड्रेड किलो ओम और इसकी टॉलरेंस हो जाएगी प्लस माइनस वन परसेंट तो इस तरह से हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं और इस टेबल को याद करने का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है आप सभी लोग जानते होंगे जो लोग नहीं जानते हैं वो देख लें यहाँ पर लेकिन लिखा होता है कोड के रूप में ये है बी बी रॉय बी बी आर ओ बाई ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ तो बी वी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ इस तरह से कोट की बात कर लेंगे तो बी से फर्स्ट बी से होता है ब्लैक सेकेंड बी से होता है ब्राउन इस बी से आर से होता है रेड ओ से ऑरेंज वाइट से येलो जी से ग्रीन अगेन बी से ब्लू फिर वायलेट जी से ग्रे और डब्लू से वाइट 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 इस तरह से कलर हम टॉलरेंस के लिए हमें याद रखना है गोल्ड का होता है प्लस माइनस फाइव परसेंट सिल्वर के लिए टेन परसेंट और अगर ब्राउन है तो वो वन परसेंट अगर वन परसेंट का देखना है तो हमें आपको ब्राउन देखना पड़ेगा फिफ्थ बैंड तो इस तरह से आपने अभी कलर कोडिंग के बारे में सीखा अब देखते हैं ये सारे फिक्स टाइप के रजिस्टर थे ये सारे फिक्स टाइप के रजिस्टर थे आपने देखा ये सारे फिक्स टाइप के रजिस्टर हैं ये सब अब देख रहे हैं वेरिएबल टाइप के टाइप ऑफ वेरिएबल रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर में बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं वेरिएबल में नंबर वन पोटेंशियोमीटर नंबर टू पे होता है रियो एस्टेट नंबर थ्री पे होता है ट्रिमर या प्रीसेट या और प्रीसेट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के प्रीसेट हैं ये प्रीसेट प्लास्टिक पैकेज में है ये भी प्रीसेट है ये प्रीसेट ये प्रीसेट ये प्रीसेट और इधर देख सकते हैं ये पोटेंशियोमीटर है प्रीसेट का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमें बार बार रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़ता है इनका यूज जनरली मकैनिक करते हैं टेलीविज़न या अदर किसी दूसरे इक्ुपमेंट में इसमें कभी कभी रिपेयरिंग को या कैलिब्रेट करने के लिए इस टाइप के प्रीसेट का यूज किया जाता है और पोटेंशियोमीटर का यूज हम जब वोल्टेज डिवाइडर या रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं आप देख सकते हैं इसमें थ्री टर्मिनल होते हैं एक टर्मिनल ये है दूसरा वाला ये है और तीसरा ये है ये तीन रजिस्टर हैं सॉरी थ्री टर्नल हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन होती है आप देख सकते हैं ये के का है और इसके बैक साइड पे भी जो जितने का भी होगा उसकी वैल्यू मेंशन की होती है ये इसमें एक सॉफ्ट होती है इसमें थ्री वायर होते हैं इसमें एक बाइपर होता है और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप्स होती है ये तीन टर्मिनल हैं और ये ऐसे मूव करता है ऐसे तो आपने देखा दो तरह के हमने देख लिए तीस थर्ड होता है रियो स्टेट ये रियो स्टेट है आपने देखा ये लैब में इसका यूज होता है इसको भी वेरिएबल रजिस्टर होता है भी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एक और इम्पॉर्टेंट रजिस्टर आते हैं डिपेंडेंट ऑन फिज़िकल क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करने वाले भी कुछ कंपोनेंट होते हैं जैसे नंबर वन थर्मिस्टर इसमें भी ये दो तरह होते हैं एनटीसी एंड पीटीसी नंबर टू एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इनको भी मैं बताऊंगा बी डी आर एंड नंबर फोर स्ट्रेंगेज अभी देखते हैं थर्मिस्टर थर्मिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस या तो बढ़ेगा या घटेगा अगर टेम्परेचर बढ़ने पर मीन्स टेम्परेचर बढ़ने पे इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जा रहा हो रहा है दैट मीन्स ये पी है पी टी सी टाइप थर्मिस्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट मीन्स टम्परेचर बढ़ने पर टम्परेचर बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है अगर टम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो ये एन टी सी टाइप का थर्मिस्टर होगा एन टी सी मीन्स नगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियन मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रजिस्टेंस डिक्रीज होता है एक और टाइप का रजिस्टर है एल डी आर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर जिसकी रजिस्टेंस लाइट पर डिपेंड करता है लाइट के घटने या बढ़ने पर इसका रजिस्टेंस चेंज हो जाता है एल डी आर का हम यूज एज ए सेंसर भी करते हैं स्ट्रीट लाइट वगैरह में भी हम इसका यूज कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के एक होता है बी डी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टेंस जिसका रजिस्टेंस वैल्यू वोल्टेज के घटने या बढ़ने से वैल्यू चेंज होती है एक है स्ट्रेन गेज स्ट्रेन गेज एक ऐसा रजिस्टर है जिसपे मकैनिकल फोर्स अप्लाई करने पर इसमें रजिस्टेंस चेंज होता है इसका यूज हम आ, तराजू इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू या बैंग मशीन वगैरह बनाने में यूज किया जाता है तो आज के लिए इतना ही आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए